हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज की ये जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिन लोग स्टूडेंट है और कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल को सर्च करते हैं ऑनलाइन पे, और स्पेशली जिन लोग कंप्यूटर या फिर फ़ोन से कोई भी नोट्स को आप रिफर करते हो, कोई भी नोट्स को आप स्टडी करते हो, तो फिर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लाइफ टाइम तक। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीखने क्या बोले हैं, कोई भी वीडियो फाइल को, कोई भी पीपीटी फाइल को या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करते हैं प्रॉपर वे पे, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियो है लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लियर सा आइडिया देने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, मैं यहाँ पर क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, सपोज मुझे चाहिए मैकबेथ, उसके बाद मैकबेथ का जो टेक्स्ट फाइल है मुझे वो चाहिए, और फिर जो चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिखना है फाइल टाइप, उसके बाद स्पेस ना देके कोलोन, उसके बाद आपको लिखना है पीडीएफ। इस जो एक्सटेंशन है ना डॉट ए जो पीडीएफ है ना, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसको लिखना पड़ेगा तब जाके आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर मतलब पीपीटी फाइल चाहिए तो पीपीटी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर सर्च करेंगे तो आपका मैकबेथ का जो भी पीपीटी फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए फिर पीपीटी का वो सर्च करके देखते हैं, उसके बाद पीडीएफ का हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले पीपीटी को यहाँ पर पीपीटी एक्स लिखेंगे और उसके बाद सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो इस लिंक के एंड पे देखिए पीपीटी, यहाँ पर पीपीटी, मतलब सारे जो पीपीटी फाइल्स है ना वो यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले लिंक पर हम लोग एक बार चल के देखते हैं कि एक्चुअल में पीपीटी फाइल है या फिर नहीं। तो हम लोग फिलहाल इसको डाउनलोड सेक्शन पे डाउनलोड करेंगे और मेरा जो फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो चुका है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे या दिस इज अ पीपीटी फाइल, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये पीपीटी फाइल है। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बहुत सारे जो इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को पीपीटी सबमिट करना पड़ता है, तो आप इधर से भी मैनेज कर सकते हो। अगर चाहिए तो आप इधर से बहुत सारे फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये एक टेक्निक हुआ। सेकेंड जो चीज़ है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है फाइल टाइप कोलन और उसके बाद आपको टाइप करना है पीडीएफ, सर्च कर लेना है। और पीडीएफ का फाइल बहुत सारा फाइल है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड जो लिंक है इस पे लिंक पर जानता हूँ मैकबेथ टेक्स्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मैकबेथ का जो ऑरिजिनल टेक्स्ट है उसके साथ साथ जो मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर आपको जो एनोटेशन दिया होता है उन सारे यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल को, ठीक है। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए सिर्फ और सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे या फिर कुछ चाहिए तो मॉडिफाई कर सकते हो, तो हम लोग टीएक्सट लिखेंगे, फाइल टाइप कोलन टीएक्सट, उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुल टेक्स्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरा जो टेक्स्ट फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो टेक्स्ट फाइल है वो बिल्कुल इधर हाजिर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने काम के अंदर इसको यूज कर सकते हो। तो राइट क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे और कुछ नहीं करना है। आपको एचटीएमएल रख सकते हो या फिर इसका फाइल टाइप को आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके हम लोग कर सकते हैं टीएक्सटी, और उसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। जैसे सेव करेंगे उसके बाद एक बार ओपन करके देखेंगे कि मेरा जो फाइल है वो सही है या फिर नहीं है। अगर आपको इस तरीके से नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल ए कर लेना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपका जो नोट पैड है उसको ओपन कर लेना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो ए तो नहीं हुआ है, एचटीएमएल पेज ओपन हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर कॉपी कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग नोट पैड ओपन करेंगे कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर सिंपली कंट्रोल वी कर देंगे एंड बूम, मेरा जो भी फाइल्स था वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा शानदार हुआ है, और अगर आपके पास इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरा और कोई नया वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।